सोचा कि सुबह सुबह आपको एक तस्वीर दिखाएं, तस्वीर रियलिटी चेक की। आपको पता तो चले कि आपके टैक्स के पैसे से जो अधिकारी काम कर रहे हैं क्या वो वक्त पर पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। और इसलिए फर्स्ट इंडिया ने सुबह सुबह रियलिटी चेक करने की सोची। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं, नगर निगम से भारत दीक्षित, जेडीए से अभिषेक श्रीवास्तव और कलेक्ट्रेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवेंद्र परमार। लेकिन अभिषेक, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। रियलिटी बहुत अलग होती है और जब उसको चेक करने की बारी आती है तो फिर वो रियलिटी सामने आती है जो कोई देखना नहीं चाहता और कोई दिखाना नहीं चाहता, लेकिन फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। जरा बताइए, सुबह के 10 बज चुके हैं, आप इससे पहले भी बता रहे थे, तस्वीरें क्या है वहां की? देखिए, जो मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया था उसका यह असर है कि यहाँ का जो जेडीए प्रशासन है वो भी सख्त हुआ है। जो कर्मचारी समय पर नहीं आते उसी का हम सुबह से दिखा रहे हैं कि उसका एक पॉजिटिव असर यहाँ दिखाई दे रहा है। अधिकतर अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय पर है। हम यहाँ सबसे पहले मुख्य भवन में गए, मुख्य भवन का जो है देखा, चेक किया, जो कर्मचारी थे वो अपने सीट पर थे, अधिकारी अपनी सीट पर थे। इसके अलावा फिर हमने जो मुख्य भवन की जो सेकंड फ्लोर है जहाँ पर जेडीसी से लेकर तमाम आला अधिकारी बैठते हैं उसको चेक किया। अब हम यहाँ पर हैं पार्किंग के ऊपर, जो जोन ऑफिसेज बने हुए हैं, जो जोन कार्यालय वहां पर हैं, वहां का नजारा हम आपको दिखाते हैं कि क्या नजारा है। ये जोन 3 का कार्यालय है, देख सकते हैं यहां पर कि ये जो है खाली पड़ा है, अधिकारी जो है नजारत है। और इसके अलावा और आप देखते हैं ये जो रूम है, स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम में भी लोग बैठे हुए हैं और इधर कुछ सीटें खाली हैं और कुछ भरी हुई हैं। ये जोन ऑफिस है जहाँ पर आम जन से का जो है सीधे सरोकार रहता है। यहाँ पर लोग जो है अपने काम के लिए आते हैं, काम भी जो समय है लोगों का वो भी फिक्स कर रखा है। इसके अलावा जो पूरा कॉरिडोर है पूरा उसको हम देखते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं सामने एक और ये दिख रहा है जो मंत्रालय भवन है जिसमें स्टाफ जो है अपनी सीट पर मुस्तैद है, बैठा हुआ है। और ये कार्यालय जोन 1 है, कार्यालय जोन 1 में देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है लोग बैठे हुए हैं। और ये अधिकतर ये खाली कैसे है? थोड़ा 5-7 मिनट बाद में आएंगे, आधा घंटा हो चुका, अब तक आई नहीं, तक आए नहीं, ये तो आई है ना। यहाँ कौन बैठता है किसी की सीट यहाँ पर? आ रहे हैं, देखिए सर, देखिए आधा घंटा हो गया। अरे जोन 1 का आप ऑफिस देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग तैनात थे, चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे नियमित कार्मिक हो, वो यहाँ से गैर हाजिर है। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर, देखिए आप। और ये जो है यहाँ बैठे हैं, ये किसका कमरा है जी? ATP साहब बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कौन बैठते सर, कौन बैठते यहाँ पे? तहसीलदार जी, तहसीलदार जी कहाँ आई नहीं आज? तहसीलदार जो है नदारत हैं। हालांकि मौका मुआयना का कोई एक एक्सक्यूज दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी जो है जीडीसी की तरफ से आदेश है कि पहले आप ऑफिस आएंगे, ऑफिस में काम करेंगे, उसके बाद फील्ड में जाएंगे। यहाँ पे तहसीलदार साहब नदारत हैं और आपको खाली कुर्सी है, बहुत कुछ बयान करती हैं। अलग अलग जोन शिवेंद्र का रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, जरा आप तस्वीरें दिखाई, क्योंकि आप तो फाइलें भी दिखा रहे थे कि भाई फाइलें कैसे, अगर आप भी चाहें तो 10-5 फाइलें खींचकर वहां से ले जा सकते हैं। शिवेंद्र, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनको जोड़ेंगे। राजीव गौड़ का रुख कर लेते हैं। राजीव, क्योंकि जयपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और जयपुर में कई ऐसी कुर्सियां हैं जो अपने अधिकारी का इंतजार कर रही हैं। जोधपुर की तस्वीर क्या है नगर निगम की, क्या वहां भी अभी इंतजार हो रहा है? अब तो सर्दी भी नहीं इतनी। देखिए विजेंद्र, आप ठीक कह रहे थे, रियलिटी को देखना नहीं चाहता, को दिखाना नहीं चाहता, मगर फर्स्ट इंडिया दिखाता। एक रियलिटी आप देखिए, 10 बज चुके हैं मगर अधिकारी महोदय की जो कुर्सी है उनका इंतजार कर रही है। आप समझ सकते हैं, ये तस्वीर चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने जिस तरीके से डायरेक्शन दिए हैं और उसके बाद में ये स्थिति है। जोधपुर में लगता है कि संभागीय BL मेहरा और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को अपने रंग में आना पड़ेगा, नोटिस जारी करने पड़ेंगे और कोशिश करते हैं। इस कार्यालय में देखिए ये स्थिति
रही है, ये कुर्सी खाली, अंदर लाइटें जल रही है, समझा जा सकता है कि 10 बजे भी अगर ये तस्वीर है तो समझिए कि प्रशासनिक क्षमता किसको कहते हैं, प्रशासनिक दक्षता किसको कहते हैं। ये जो अधिकारी हैं, संजय माथुर हैं, अधिशासी अभियंता हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब जब सवाल करते तो कहते फील्ड में सभी लोग एक साथ फील्ड में कैसे नजर आ सकते हैं, कुछ और कक्ष में जाने की कोशिश करेंगे। 10 बजे के बाद भी अगर ये स्थिति है, और आप देखिए कि एक कक्ष जो है लक्ष्मी नारायण सोलंकी, ये नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन यहाँ सफाई चल रही है, पंखे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये चलिए ठीक है, इसको तो मान लेते हैं कि राजनीति वाला पद होता है तो हो सकता है उनका तो कोई कामकाज हो सकता है फील्ड में, लेकिन आप देखिए जहाँ हम पहुंचे हैं, यहाँ कौन बैठते हैं भाई साहब? साउथ। कौन कहाँ गए? सर एक्शन सर अपने। अच्छा, आप यहीं बैठते हैं जी। लेकिन ये बताएं कि ये जो अधिकारी कर्मचारी समय पर नहीं आते, कारण क्या है? राजीव, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, वापस मैं आपके पास आऊंगा। शिवेंद्र हमारे सहयोगी शायद रजिस्टर दिखा रहे हैं। शिवेंद्र, जो सबसे इंपोर्टेंट जगह वहां तो लोग मिलनी चाहिए, हेल्प डेस्क खाली थी। चलिए जो वहां पर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन राजीव कंटिन्यू कीजिए आप। शासी अभियंता नेमप्लेट गायब है, लेकिन अच्छा नेमप्लेट यहाँ है वैसे। कौन है? कमरेश जी कहाँ है? बैठे हैं, देखिए ये अधिकारी हैं, ये अंदर बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी तस्वीर है। सुधांशु पत्नी ने जब से आदेश दिए हैं सर, लेकिन आपके आसपास के जो कक्ष हैं वो खाली पड़े हैं, अधिकारी करते 10 बजे भी नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे? नहीं, हमने सीओ साहब ने इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया था कि भाई सबको समय पर 9:30 बजे पहुंचना है। उसी के तहत में हम जितने भी जैसे डीसी सेकंड के अंदर में जितने भी कर्मचारी हैं उनको मेरे द्वारा पाबंद कर दिया गया है कि वो भी समय पर आवे। कैसे 40% अधिकारी कर्मचारी पहुंचे, 60% नजर आ रहे? इसके लिए हम सीओ साहब के संज्ञान में लाएंगे कि जो भी कर्मचारी नहीं आए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। अब तो देखिए कि ये सुखद बयान है कि नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैंने जो दोहरा रहा हूँ वापस कि कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को अपने रंग में आना पड़ेगा, जो समय पर नहीं आते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, अन्यथा आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं वो चौंकाने वाली हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विजेंद्र हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे राजस्थान भर की, उसके पीछे संदेश ये है कि जनता परेशान नहीं हो, जब मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने साफ तौर पर कहा है। अब देखिए हम वापस बाहर तक आ गए, फिर भी ये अधिकारी नहीं पहुंचे, इनके एक अधिकारी ने फोन भी किया, लेकिन देखिए ये कुर्सी वापस वैसे की वैसे है। साथी कर्मचारी है उससे बिल्कुल, राजीव आप हमारे साथ बने रहिए, ये भी नहीं कित अभी 10:15 तक आ जाते हैं, वो रोज 10:15 बजे आते हैं, 10:10 बजे तक आ जाते हैं। तो देखिए 10 बजे तक सब 9:30 का वक्त सोचिए कि 9:15 तक आते हैं। राजीव ये भी नहीं कहा जा सकता भाई कि आज तो सोमवार है, चलिए छुट्टियों के बाद मन नहीं करा होगा ऑफिस आने का, आज तो मंगलवार है। शिवेंद्र हमारे साथ बने हो, शिवेंद्र कितनी तो खाली कुर्सियां दिखा चुके आप, और वो कलेक्ट्रेट है, पूरा राजस्थान चलता है वहां से, कितनी आप फाइलें दिखा चुके हैं। इस वक्त 10:08 हो चुके हैं, पहुंचे या नहीं पहुंचे कोई? और देखिए बहुत हैरानी की बात यह है बिजेंद्र की, चीफ सेक्रेटरी अभी 5 दिन पहले ही यहाँ पर आके गए हैं, उसके बाद भी जयपुर कलेक्ट्री में कोई तस्वीर बदली नहीं है। मैं ठीक 9:30 बजे कलेक्ट्री में था, ना तो एक एडीएम थे जो हमको मिली थी नीलिमा तक्षक, उनके अलावा ना तो कोई एडीएम थे। उनके लोग कह रहे थे कि पीएम की विजिट है, पीएम तो आज है नहीं, वो तो दिल्ली में ही है, हो सकता है किसी और विजिट में गए हों, लेकिन नीलिमा तक्षक के अलावा कोई एडीएम टाइम पे आज जयपुर कलेक्ट्री में नहीं था। कलेक्टर साहब खुद नहीं है, हालांकि उनके लिए भी कहा उनके स्टाफ ने कि कलेक्टर साहब भी किसी वीआईपी प्रोटोकॉल में, लेकिन कलेक्टर साहब खुद नहीं है। एक भी एसडीएम 9:30 बजे नहीं था, हमने सारे चैम्बर्स में जा जा के देखा, पूरा कलेक्ट्री खाली था, हेल्प डेस्क खाली थी 9:45 तक, जिस समय परिवादियों का आना शुरू हो जाता है उस समय हेल्प डेस्क पर कोई नहीं था, फाइलें बुरी तरीके से पड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर जो समय पर आने की कवायद है उस कवायद में जयपुर कलेक्ट्री को 10 में से 0 नंबर है, कोई नहीं है, सब तरफ हालत ख़राब है जयपुर कलेक्ट्री में, लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको पता ही नहीं कौन सा अधिकारी कहाँ बैठा है, क्योंकि हेल्प डेस्क खाली है। एक और ज़ोरदार बात है कि जो एडीएम है और जो अधिकारी हैं जो साइन करते हैं उनका जो रजिस्टर है वो कलेक्टर साहब के चैम्बर के अंदर रखा हुआ है,
कलेक्टर साहब तो है नहीं, तो मान लीजिए कोई 10 बजे भी आके चुपके से साइन कर गया तो कलेक्टर साहब को क्या पता, बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो है नहीं, कौन टाइम पे आया कौन नहीं आया। हमने कोशिश भी की कि कलेक्टर साहब का रजिस्टर देख लें, तो क्योंकि कलेक्टर साहब नहीं थे तो हमको वो रजिस्टर नहीं दिखाया गया। लेकिन जयपुर कलेक्ट्री की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत को या तो दोबारा आना पड़ेगा कि मैं फिर जाता हूँ कलेक्ट्री, और उनको इस बार अचानक ही आना पड़ेगा। पिछली बार शायद कुछ लोगों को पता चल गया था इसलिए लोग थे, लेकिन आज जब फर्स्ट इंडिया जयपुर कलेक्ट्री पहुँचा है तो मौके पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीके से हमने खोला कई ऑफिसों को जाकर, धूल उठाई फाइलों से, अधिकारी टाइम पर नहीं थे, कर्मचारी भी टाइम पर नहीं थे, कुछ लोग टाइम पर थे लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, गिन सकते हैं उंगलियों पर के कितने लोग टाइम पर थे। तो ऐसा लगता है कि जयपुर कलेक्ट्री, जहाँ मैं आज से 3 साल पहले भी एक इस तरह का रियलिटी चेक कर चुका हूँ, तब भी इसी तरह की तस्वीरें थी। सरकार बदल गई लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों का रवैया नहीं बदल रहा, उनको आदत है लेट आने की, उनको आदत है देरी से जागने की, और यही कारण है कि जयपुर कलेक्ट्री में अभी भी जब 10 से ज्यादा बज गए अभी भी अधिकारी और कर्मचारियों के आने का सिलसिला जारी है। 10 साल पहले एक नेता ने बयान दिया था कि ब्यूरोक्रेसी में सरकारी मशीनरी को ग्रीसिंग की जरूरत है, मुझे लगता नहीं इन 10 सालों के अंदर ग्रीसिंग ढंग से हो पाई है, तभी तो ऐसी तस्वीरें वापस दिखाई दे रही है। भारत हमारे सहयोगी नगर निगम हेरिटेज से जुड़े हुए हैं। भारत, हेरिटेज में कोई ऐसा तो नहीं कि हेरिटेज के तैसी ही अंदाज में चीजें दिखाई दे रही हैं, मॉडर्न लुक में वहां अधिकारी पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे? देखिए बिल्कुल बिजेंद्र, दो से तीन दिन पहले ग्रेटर नगर निगम में सीएस सुधांशु पंत ने दौर किया और शायद लगता है उसी का असर हेरिटेज नगर निगम में देखने को मिला, क्योंकि जब हम यहां पहुंचे थे तो करीब 9:15 पर खुद हेरिटेज नगम कमिश्नर है अभिषेक सुराना, वो यहां पर मौके पर पहुंच चुके थे। यानी कि जब खुद कमिश्नर मौके पर पहुंच चुके थे तो ऐसे में ज्यादातर अधिकारियों को निगम में पहुंचना बेहद जरूरी था। कह सकते हैं कि हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में सीएस ने जो दौरा किया उसका यहाँ पर खासा प्रभाव है वो यहाँ पर देखने को मिला। यही कारण है कि ज्यादातर अधिकारी अपने दफ्तरों में सही समय पर पहुंचे हैं। इस वक्त और भी कुछ दफ्तर हैं, उनका निरीक्षण हम यहाँ पर कर लेते हैं, उनका रियलिटी चेक यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन जितने भी दफ्तरों का हमने रियलिटी चेक यहाँ पर किया उसमें ज्यादातर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय पर यहाँ पर दिखे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि खुद जो हेरिटेज निगम के कमिश्नर है अभिषेक सुराना वो यहाँ पर मौके पर यहाँ पर दिखे। आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि ये इस वक्त निगम की तस्वीर है। ये कौन सी शाखा है, कहाँ गए सर अधिकारी? राजेश्वर प्रथम अंदर बैठे हैं सर अधिकारी जी। और ये किसका चैम्बर है सर? ये आर ओ सर का चैम्बर है सर, आर ओ सर आ गए थे फील्ड के निरीक्षण, मौका निरीक्षण के लिए गए हुए। देखिए आपने सुना कि अधिकारी आ चुके हैं लेकिन निरीक्षण करने के लिए गए। आप ये देखिए कनिष्ठ सहायक कक्ष है, राजस्व प्रथम है, ये दफ्तर में पहुंच चुके हैं, सही समय पर दफ्तर में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं हेरिटेज नगर निगम में, क्योंकि देखिए बिजेंद्र नगर निगम का ज्यादातर जो काम होता है, ये देखिए उपायुक्त हैं राजस्व प्रथम सरोज ढाका जी, इनका भी चैम्बर दिखाएंगे कि मैडम आई है नहीं आई है। तो मैडम सही समय पर सरोज ढाका जी हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं जो हेरिटेज निगम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये गुड गवर्नेंस के लिहाज से बिजेंद्र में असर नहीं दिखाई दिया दौरे का, नगर निगम के अंदर तो दिखाई दिया। मेरे सहयोगी शिवेंद्र, क्योंकि आप हेल्प डेस्क पर मौजूद हैं, क्या ये हेल्प डेस्क पूरे तरीके से हेल्पलेस नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो हेल्प डेस्क पूरी तरीके से खाली है, और यह दूसरी बार पहुंचा हूं, सुबह भी पहुंचा था। एक ये कर्मचारी हैं जो कह रहे हैं कि मैं आया हूं, तो आप यहीं पे काम करते हैं? क्या नाम है आपका? सिविल डिफेंसर रोहतास आंद्रा। तो क्या अब जैसे आप आ गए तो अब क्या करोगे आप यहाँ? ये तो आपकी कुर्सी है यार, बताओ कहें प्रकाश राज प्रोज जी को मैं भेजूंगा, ये कुर्सी बताओ हेल्प डेस्क में यार, क्या आप लोग हेल्प करोगे? ये कलेक्ट्री है, शर्म आनी चाहिए ऐसी तस्वीरों को देखिए। ये देखिए आप, ये है कलेक्ट्री, लेट में तो बाद में बात करेंगे बिजेंद्र, पर ये आप देखिए हेल्प डेस्क, इनको खुद की जरूरत है, कलेक्टर साहब को खुद हेल्प डेस्क की हेल्प करानी चाहिए। ये हेल्प डेस्क है, और हेल्प डेस्क है क्या मान लो यार, क्या बताओगे आप? जो शादी के कार्ड रखे हैं क्या, मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति आया आपके पास तो क्या मदद मांगता है आपसे? पहले तो ये कि आप आई 10:15 हो यार, 9:30 मैं यहाँ खड़ा था, पूरी हेल्प डेस्क आपकी खाली थी। सर हमारे तो क्या है, यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट में वो बैठती है लेडीज। वो कहाँ है जो बैठती है? वो आज छुट्टी पे, तो अभी कहाँ छुट्टी उनकी, किसी को देके गई है वो? हमारे ऊपर सिविल डिफेंस। अरे ऐसे नहीं होता बिजेंद्र, बिल्कुल फेल है जयपुर कलेक्ट्री ने तो डिसअपॉइंटेड किया है। हेल्प डेस्क यहाँ पर लिख रखा है आपने हेल्प डेस्क है, वहाँ की हालत देखिए आप, ना तो कोई कार्मिक है ना कोई जानकारी है कि वो क्या। अच्छा मैं आपको पूछूं, आप हेल्प डेस्क पे बताओ मुझे एडीएम नॉर्थ का कमरा नंबर क्या है? एडीएम नॉर्थ का इंजीनियर से ऐसे बता रहे, क्या गूगल मैप से बताओगे लोगों को कि गूगल मैप खोल लो? एडीएम नॉर्थ का कमरा नहीं पता आपको? अरे सर मैं तो अभी आया हूँ, अब स्टाफ नहीं आया था उसके लिए। तो आप ये कौन है, आप झूठ बोल रहे हो? आप कहाँ स्टाफ, कहाँ हेल्प डेस्क का? मैं बता रहा हूँ ना आपको, छुट्टी पे है। छुट्टी पे और हेल्प डेस्क खाली है?
हम अभी हमारे को हम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर से यहाँ पर अगर यहाँ बैठे हो आप मुझे बताओ, चलो एसडीएम आमिर कहाँ बैठते हैं? एसडीएम आमिर कमरा नंबर बताओ, कमरा नंबर गूगल करो, गूगल पर आ जाएगा। बहुत बुरी हालत है, देखिए बिजेंद्र ये हकीकत है। प्रकाश राजपुरोहित साहब को मैं लिंक भेजूंगा जो जयपुर के कलेक्टर हैं। रियलिटी है, रियलिटी चेक के अंदर हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो बताती है कि जनता क्यों भटकती है इधर से उधर। ये बताती है कि जनता क्यों एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है, क्योंकि हेल्प डेस्क को ही नहीं पता कि किस कमरे में किसको भेजना है। लेकिन जेडीए की तस्वीर थोड़ी इससे सुखद नजर आती है। अभिषेक श्रीवास्तव वहां से बने हुए हैं। अभिषेक जरा बताइए, 10 में से आप वर्तमान स्थिति में जेडीए को कितने नंबर देंगे प्रेजेंस के हिसाब से? मैडम पर 45 मिनट लेट हो तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे बताओ? अभी चीफ सेक्रेटरी घूम के गए आपके यहाँ, उसके बाद भी आप 45 मिनट लेट हैं, और ये सबसे जरूरी जगह है आपकी, यहीं पर तो लोग आते हैं। हाँ जी सर, आज ही लेट हुई हूँ। आज ही आ गए आप? 9:30 बजे सही आ जाती हूँ। आज तो आप 10:15 बजे आए हैं। हाँ, और मेरे सामने कितने लोग आंकड़ी थी मेरे, इस वजह से लेट हो गई। बहुत लोग परेशान होकर चले गए यहाँ? नहीं नहीं सर, अभी परेशान तो नहीं हुए होंगे। चलो, आपका काम क्या रहता है यहाँ सर? लोगों को रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाना, तो आप मुझे बताओ डीसीपी जो बैठते हैं यहाँ पर उनका कमरा नंबर क्या है? 151। और जो एडीएम बैठते हैं यहाँ पर रजिस्टर चुनाव वाले, उनका रूम नंबर क्या है? सर 104। पक्का 104 नहीं है उनका कमरा? ये आपने बिल्कुल गलत बताया, मैं अभी उनके कमरे में जाके आ गया। अच्छा, ऐसे थोड़ी है मैडम, 104 नहीं है उनका कमरा नंबर, 110 है। क्या कर रहे हैं आप, कैसे हेल्प? एडीएम सेकंड है। अरे अरे, देखो देख लिया विजेंद्र आपने, मुझे उम्मीद है कि प्रकाश राजपुरोहित भी देख रहे होंगे जो जयपुर के कलेक्टर हैं। बहुत बुरी हालत है जयपुर कलेक्ट्री में। चीफ सेक्रेटरी घूम गए, मुख्यमंत्री ने कह दिया, कई निर्देश हो गए, इसके बाद भी ना तो कोई टाइम पे आ रहा। जो हेल्प डेस्क के लोग हैं उनको खुद ही हेल्प की जरूरत है, उनको पता नहीं कि मुझे लगता है शिवेंद्र की रिपोर्ट जाएगी कलेक्टर साहब तक, रिपोर्ट जाएगी। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक भाई, अब तो लगभग 45 मिनट हो गए हैं दफ्तर खुले, क्या 45% या कहें कि 80% वहां स्टाफ आया है, अभी भी नहीं आया? बिल्कुल विजेंद्र, यहाँ पर तस्वीर बहुत सही, मतलब सकारात्मक है, अच्छी तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर जो है 80 से 85% तक, जो 90% तक जो है स्टाफ आ गया है। जो तक हमने रियलिटी चेक किया है उसमें अधिकतर स्थानों पर जो है कार्मिक अपनी सीट पर मिले हैं। बस एक जोन एक में कुछ सीटें खाली थी, वहाँ के तहसीलदार भी नदारद थे, लेकिन इसके अलावा जहाँ जहाँ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने रियलिटी चेक किया है वहाँ पर लोग बैठे हुए मिले। ये जोन 5 का स्टाफ रूम है, इससे हम बाहर चलते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट फ्लोर है पार्किंग बिल्डिंग का, जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर 1 से लेकर जो है 8 तक के जोन ऑफिस हैं, यहां जोन डीसी बैठते हैं। इसके अलावा स्टाफ रूम बैठता है, जो डे टू डे में जो लोग आते हैं उनका काम इन जोन ऑफिस से पड़ता है। ये उपायुक्त जोन 1 का ऑफिसर सुभाष चंद्र बोरा, ये अभी मीटिंग में गए हुए हैं, क्योंकि जो जेडीसी हैं वो आज मंगलवार है, तो आज वो 100 दिवसीय कार्य योजना और जो डॉक्यूमेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम है और जो मुख्य सचिव के निर्देश हैं उनकी पालना की प्रगति रिपोर्ट को लेकर जो ये मीटिंग लेती हैं। ऐसे ही जगदीश नारायण यादव है उपायुक्त जोन 2, जो हमारे साहब ने उस मीटिंग में गए, लेकिन हम यहाँ पे जो स्टाफ रूम है, जो जोन 2 का स्टाफ रूम है, इसका नजारा देखते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो है कर्मचारी बैठे हुए हैं, ये कुछ सीटें खाली हैं। यहाँ कौन बैठता है साहब? यहाँ पे आई नहीं वो टाइम पे, एडिशनल चार्ज है, कहाँ बैठे हैं फिर वो? इनके पास एडिशनल चार्ज है बता रहे, और बैठे हैं बाकी बैठे यहाँ पे अधिकारी, आप देख सकते हैं। हो सकता है क्योंकि वहां पर बैग और एक टिफिन दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो यहाँ आकर गए हों। एटीपी साहब के पास भी 4 जनों का चार्ज है, 1, 2 यहाँ पे जो एटीपी जो बता रहे हैं, जो अभी सीट पर नहीं है, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके पास 3 से 4 जोन का चार्ज है, तो वो दूसरे जोन में देख लेते हैं। 1 से 4 का चार्ज है उनके पास, और आगे ये उपायुक्त जोन 2 का स्टाफ रूम था। इसके अलावा और आगे चलते हैं, जो स्टाफ रूम आप देख सकते हैं जो दिख रहा है कांच में, ये स्टाफ रूम है जिसमें जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा इधर भी एक दूसरे जोन का स्टाफ रूम है जिसमें लोग बैठे हुए हैं अपने काम कर रहे हैं। और यहाँ हम चलते हैं उपायुक्त जोन 7 जो है वहाँ की क्या स्थिति है उसको देखते हैं। ये उपायुक्त जोन 7 हैं, जो तहसीलदार हैं इनका कमरा देखते हैं। तहसीलदार साहब जो है जोन 7 के जो तहसीलदार साहब हैं, ये खाली सीट है और ये मौके यहाँ है नहीं, और ये यहाँ पर क्यों नहीं है ये भी बताने के लिए यहाँ पर बाहर कोई मौजूद नहीं है। ये एटीपी साहब का कमरा है, यहाँ इंद्रजीत गोयल बैठते हैं, लेकिन वो उनके पास जोन 8 का चार्ज है, तो जोन 8 में भी देख लेते हैं। ये अपर्णा शर्मा है, ये शायद हो सकता है कि ये भी जीडीसी की मीटिंग में गई हो, ये भी जो है मीटिंग में गई हुई है।
मीटिंग में हैं। और आगे देखते हैं जो जोन सात का जो स्टाफ रूम है उसके क्या हाल हैं, इसका भी नज़ारा दिखाते हैं क्या स्थिति है। ये जोन सात जो कि एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ पर वैशाली नगर और इधर इलाका आता है, उस इलाके की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टाफ रूम में भी लोग जो हैं बैठे हुए हैं, अधिकतर जो लोग हैं अपनी सीट पर हैं। यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पर ये सीट किसकी है साहब, ये सीट किसकी है, ये खाली रहती है हमेशा, किसकी है? अच्छा, ये फाइलें वगैरह रखते हैं इसलिए सीट खाली है। बाकी आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन जो है वैसा यश माथुर है, आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर अभी जोन सात में थे और इसके अलावा ये जो और भी आगे का जो ऊपर है, ऊपर जोन 9 से लेकर 14 तक बैठे हैं, 10 और 11 अलग बिल्डिंग में है, तो ऊपर का भी नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ठीक है अभिषेक, आप पहुंचिए ऊपर, हम वापस आपको जोड़ेंगे। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, 10 में से कितने नंबर देंगे आप वहां पर, और कोई ऐसी हेल्प डेस्क आपको वहां भी दिखाई दे रही है जो इस वक्त हेल्पलेस नजर आती हो? देखिए नंबर की तो बात करें तो 100 में से साफ तौर पे देखिए 40% लोग उस वक्त आए थे जब शुरुआत की थी, 60% उस वक्त देखिए अभी तक पहुंच रहे हैं अधिकारी कर्मचारी जो हैं अभी तक पहुंच रहे हैं। और देखिए लेकिन उससे पहले ऊपर एक मिनट, भवानी सिंह आपको यहाँ भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप जयपुर में तो कुछ है नहीं, आप यहाँ अधिकारी हैं? हाँ। कहाँ पधार रहे थे आप? हम हमारी VC है 11 बजे तो कलेक्ट्रेट से आए और वापस अब वापस जाएंगे। अच्छा, कलेक्ट्रेट मीटिंग में गए थे? नहीं, 11 बजे VC है, उसके हमारे जो प्रपोजल है वो लेके आए और अब वापस जाएंगे। आप यहाँ ऑफिस कितने बजे जाते हैं? ऑफिस 9:30 आ जाते हैं। आज सुबह आ गए थे? आज नहीं, कलेक्ट्रेट से आ रहे हैं अभी। लेकिन देखिए चूंकि VC कारण हो सकते, लेकिन ऊपर देखिए भवन सिंह आपको घूमता हुआ पंखा दिखा रहे हैं, आप सोचिए कि क्या स्थिति है। अभी सर्दी चल रही है और देखिए इसके अलावा एक और कक्ष जो है अंशु प्रिया मैम जो है वो भी मैम है अंदर, कहाँ पधारे हैं सर, कहाँ हैं सर, अभी आएंगे सर। क्या नाम है सर का, नए सर का? सक्षम जी। सक्षम जी है कहाँ पर? कल ही आए सर वो यहाँ पर। अरे आज कितने बजे आए, क्या पूरा नाम क्या, किस पोस्ट पर है सक्षम जी? सक्षम जी है सर वो एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर, कमरा कहाँ उनका? आप देखिए कि यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर है और कल ही आए हैं, लेकिन आज आप देखिए कि अंदर लाइटें जल रही हैं, साहब की कुर्सी साहब का इंतजार कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि विजेंद्र क्या तस्वीर होगी इस वक्त तक, जब हम लोग सारी तस्वीरें दिखा चुके हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर रियलिटी चेक का। हो सकता है पंखा इसलिए चलाया हो कि वहां पर झाड़ू पोछा किया हो सुखाने के लिए, लेकिन वहां तो पूरी व्यवस्था पर ही झाड़ू पोछा लगा हुआ है, कितना सुखाएंगे? कक्ष का तो ताला ही नहीं खुला। मोहर सिंह जो संयुक्त विधि परामर्शी हैं, ताला ही नहीं खुला। आप क्या तस्वीरें दिखाएं, बड़ी हैरानी होती है। एक एक कक्ष नंबर 5 है, आप 105 कक्ष है, आप देखिए ये जैसे कमरे को सजा करके रखा गया है कि कोई भी नहीं है, आप समझे। अच्छा ये आप ही का कमरा तो, लेकिन सबसे बड़ी बात है विजेंद्र, पूरे राजस्थान के अंदर आप ये बताएं कि यह 40% कर्मचारी को मिले, अधिकारी मिले, बाकी 60% टाइम पे क्यों नहीं आते, उसका तो मैं जवाब। देखिए जवाब तो ये नहीं दे सकते, लेकिन शिवेंद्र जैसी तस्वीर दिखा रहे थे, एक तस्वीर हम भी दिखाते हैं, सिंह इधर तस्वीर दिखा रहे हैं। एक देखिए फाइलें जो खुले आम जिस तरीके से यहाँ पर पड़ी रहती है, लेकिन ये एक और कक्ष में पहुंचे हैं जहाँ पर अगर दिखाने की कोशिश करें तो समझा जा सकता है कि गोपनीय शाखा है। आप देखिए, अच्छा आप पहुंचे हैं, बाकी आपके अधिकारी कहाँ हैं? सभा कक्ष में, ठीक है। देखिए यहाँ तो तस्वीर अच्छी है, लेकिन विजेंद्र एक तस्वीर हम दिखाते दिखाते चूक गए थे, खूब सारी फाइलें बाहर पड़ी हैं, उन फाइलों को कोई भी जो है वो यहाँ से जिस तरीके से विजेंद्र ठीक कह रहे थे शिवेंद्र, अब देखिए उस साइड में ये तस्वीरें देखिए, ये फाइलें बिल्कुल बाहर रखी हुई हैं। और देखिए कि जिस तरीके से एक सबसे बड़ा ये देखिए बक्सों में बंद करके, जमाना बदल चुका है, अब इंटरनेट का भी जमाना है, लेकिन आप देखिए कि ये फाइल है जी। कोई भी व्यक्ति, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ से फाइल लेकर के निकल जाऊं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अच्छा राजीव, कोई हो तो पता कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कबाड़ में बेचने के लिए बाहर रखी हूं। राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, बिल्कुल ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। इतनी सारी फाइलें जो है, ये जो पास में कक्ष है उन अधिकारी से बात कर लेते हैं, सर ये जो बाहर फाइलें रखी हुई क्या कबाड़ में बेचनी है? ना, ये वो कोई पुराना रिकॉर्ड था जो पहले जमा था, जो इसको नीचे ले जा करके। इस रिकॉर्ड में क्या है, कहे का रिकॉर्ड है ये तो पूरा पता नहीं है, लेकिन ये पहले कोई DC थे, 3-4 अलग अलग बैठते थे। DC मतलब डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पहले उनका कमिश्नर हुआ करता था पोस्ट,
तो पहले वो रूम बंद था, उस रूम को खोल करके ये अब रिकॉर्ड में अगर मैं यहाँ से कोई फाइल लेके 9-2-11 जो आप मेरा क्या कर सकते हैं ना, वो तब ऑफिस सुप्रिटेंडेंट को पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा ऑफिस सुप्रिटेंडेंट बताएगा, वो तो उसकी सरकारी दफ्तर है राजीव जी, सरकारी दफ्तर है, यहाँ कोई काम बिना पूछे होते नहीं है। भारत का रुख कर लेते हैं, भारत 10 में से कितने नंबर देंगे, क्योंकि अधिकारी अभी गए, सीएस साहब यहां घूम के गए तो असर दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल, हेरिटेज नगर निगम ने बिजेंद्र आज नजीर पेश की है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि ये पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, यहां फरियादी आते हैं और ऐसे में जिस प्रकार से वो तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई, जब खुद हेरिटेज निगम कमिश्नर करीब 9:15 पर यहाँ पहुंच गए थे, और विभागों की बात की जाए जैसे कि हमारे सहयोगी शिवेंद्र ने कलेक्ट्रेट की जो तस्वीर दिखाई वो वाकई में चिंताजनक है। गुड गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो गुड गवर्नेंस तभी दी जाएगी जब समय पर अधिकारी तय समय पर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन 4 दिन पहले या 3 दिन पहले जिस प्रकार से ग्रेटर निगम मुख्यालय में सुधांश पंत का जो दौरा था उसका असर हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में देखने को मिला, क्योंकि ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी तय समय पर यहाँ पर पहुंच गए, तो कह सकते हैं ये बेहद सुखद तस्वीर हेरिटेज नगर निगम की तरफ से देखी जा सकती है। ठीक है भारत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक आपका भी शुक्रिया, राजीव और शिवेंद्र आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वो हकीकत है जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आप जो कहते हैं ना कि भाई दफ्तर में जाते जाते जूते घिस जाते हैं, काम नहीं होते, उसके पीछे की वजह है कि काम जिस सीट से होना है उस सीट पर कोई होता ही नहीं। वहीं फर्स्ट इंडिया की टीम ने कोटा के उत्तर नगर निगम में भी पहुंचकर रियलिटी चेक किया, वहां पर भी लेट लतीफी का आलम नजर आया, जहां कर्मचारी और अधिकारी समय पर दफ्तर नहीं मिले, कई ऑफिस पर ताला लटका मिला तो कई जगह कुर्सियां इंतजार करती नजर आई साहिब का। हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद मुल्तानी ने फर्स्ट इंडिया की रियलिटी चेक मुहिम के जरिए उत्तर नगर निगम का जायजा लिया। हम खड़े हैं कोटा उत्तर नगर निगम में और यहाँ पर आज फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची है रियलिटी चेक करने के लिए। यहाँ पर देखते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी समय के लिए कितने पाबंद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम तरीके की जो है ऑफिसेज हैं और ऑफिस में जो है धीरे धीरे जो है कर्मचारी पहुंचने लगे हैं। 9:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन कर्मचारी और अधिकारी जो है कुछ तो पहुंच चुके हैं और बाकी का आना बाकी है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है रोज़मर्रा के तौर पर यहाँ पर लेट लतीफ़ी नज़र आती है। ये जो रूम है यहाँ पर देखिए कि सफाई का काम चल रहा है लेकिन जो यहाँ पर बैठते हैं अधिकारी और कर्मचारी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके आने का इंतज़ार किया जा रहा है। जो यहाँ की जो जनता है वो भी जो है इनकी लेट लतीफी से जो है वाकिफ है, इसलिए वो भी जो है समय के मुताबिक यहाँ पर नहीं पहुँचती है ताकि उनको जो है इंतज़ार नहीं करना पड़े। ये देखिए दूसरा जो चैम्बर है कोटा उत्तर नगर निगम का, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर किसी तरह की कोई नेम प्लेट वगैरह नहीं है कि किस तरह का यहाँ पर वर्क होता है, लेकिन जो तमाम तरीके के जो ऑफिस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ देखिए कि एक भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोटा उत्तर का ये कार्यालय है कोटा उत्तर नगर निगम का, यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर और भी जो है तमाम तरीके के ऑफिस हैं। ये देखिए ये कार्यालय है चीफ इंजीनियर का, मुख्य अभियंता हैं प्रेम शंकर, उनके जो है पी साहब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं लेकिन जो अधिकारी हैं वो जो है अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं है। लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है और तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर ऑन हैं लेकिन जो अधिकारी हैं जिनको यहाँ पर बैठना है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये जो कक्ष है ये कनिष्ठ अभियंताओं का कक्ष है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ भी जो है कुछ कर्मचारी तो पहुँच चुके हैं, महिला कर्मचारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन कई कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। यहाँ के जो कलेक्टर हैं, संभागीय आयुक्त हैं, वो किस तरह का एक्शन यहाँ पर लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। गुल मोहम्मद मुल्तानी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।